देखिए बच्चों, ट्वेल्थ क्लास का जो चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स, उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, देखिए अगर इस चैप्टर के अंदर बात करें हम, तो जो इनिशियल स्टेज पर जो फर्स्ट में जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, या फिर जो मिरर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, चाहे वो मिरर फॉर्मूला हो, चाहे मिरर का मैग्नीफिकेशन हो, जितने भी टर्म्स हैं उन सभी को क्या कर दिया गया है, आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। क्लियर। अब देखिएगा, जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वो आपका फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज रिफ्रैक्शन। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, जो आपके PDF नोट्स के अंदर पेज नंबर 23 से स्टार्ट होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन किसी भी जो लाइट है, लाइट के अंदर जब मीडियम चेंज होता है, उस केस में क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। अब बच्चों, मीडियम चेंज का मतलब, अगर कोई लाइट रे है, मान लेते हैं जैसे एयर है, एयर से वो रे है वो ट्रांसफर हो रही है वाटर के अंदर, यानी एयर से वाटर के अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो यहां पर जो एयर है वो अलग मीडियम हो गया और वाटर है वो अलग मीडियम हो गया। तो यानी हम वाटर की रेस्पेक्ट में, अगर हम एयर की डेंसिटी की बात करें, तो एयर की डेंसिटी कम है वाटर की रेस्पेक्ट में, तो हम एयर को कैसे बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलेंगे, और वाटर को कैसे बोलेंगे, डेंसर मीडियम। क्लियर। ऐसे ही अगर जैसे कोई भी रे है वाटर से ग्लास में जाती है, तो वाटर क्या हो गया ग्लास की रिस्पेक्ट में, रेयर मीडियम हो गया, और ग्लास कैसा हो गया, डेंसर हो गया, या फिर हम एयर और ग्लास का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, कि लाइट का मीडियम चेंज होने से। एक्चुअल में क्या होता है कि जब लाइट का मीडियम चेंज होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो लाइट की स्पीड है, स्पीड चेंज हो जाती है। तो मेन रीजन है रिफ्रैक्शन का, वो क्या होता है, लाइट की स्पीड का चेंज होना। क्लियर। यानी जो रेयर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, इससे क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। अब देखिएगा, रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट की बात करें, तो मान लेते कि ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है। क्लियर, ये हमने ग्लास स्लैब कंसीडर की, मान लेते कि ए बी सी और डी एक ग्लास स्लैब है। अब हम इस सरफेस पर एक नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, ये आई, ये सॉरी ये लाइन है, हमने क्या की, एक नॉर्मल कंसीडर की है, यानी ये इस सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी रे है, मान लेते कि ये रे आ रही है, ये एयर से और इस ग्लास में एंटर करने की कोशिश करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसीडेंट रे, इंसीडेंट रे। ठीक है, तो इंसीडेंट रे क्या होती है, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उस रे को क्या बोलते हैं हम, इंसीडेंट रे। ठीक है, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसीडेंस, आई, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसीडेंस। और ये मान लेते हैं कि ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल का हमने नाम दे दिया एम एन। क्लियर। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही एयर से, मान लेते एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू वन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मान लेते हैं, म्यू टू मान लेते हैं। तो देखिएगा, जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है, तो देखो ये सीधी जानी चाहिए थी, लाइट कैसे जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होती है, ये इस तरह से पास होती है, ग्लास के अंदर इस तरह से ट्रेवल करती है। तो देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे,
इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्लियर। तो जो इंसिडेंट रे जब ग्लास में एंटर करती है तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, वो किस नाम से कराती है, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक मीडियम सेम रहा ग्लास। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वापस से देखिएगा ये नॉर्मल हो गया, मान लेते हैं ये नॉर्मल एम डैश और एन है। जब ये बाहर निकलती है तो ये सीधी ना जाके क्या करती है, इस तरह से जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंट एंगल ई, इसको क्या बोलते हैं, और ये कौन सी रे होगी, इमरजेंट रे। कौन सी रे होगी ये, इमरजेंट रे। ठीक है, तो ये लाइट का देखिएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तब भी वो क्या होती है, मुड़ती है, या फिर चाहे वो रेयर से डेंसर में आओ चाहे डेंसर से रेयर में। तो लाइट का अपने पाथ से मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन करता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लाइट आपके नोट्स में प्रॉपर लिख रखा है। अब देखिएगा ये वाला जो एंगल होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल आर। क्लियर। यहाँ से देखिएगा ये अल्टरनेटिव एंगल आर ही हो गया इसके बराबर, तो ये लाइट का क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जब लाइट है रेयर मीडियम से और डेंसर में जाती है, यानी जिसकी डेंसिटी जैसे हवा से और ग्लास में गई, तो रेयर मीडियम हवा हो गया और डेंसर मीडियम ग्लास हो गया। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल से, यानी परपेंडिकुलर से नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है, सॉरी नॉर्मल की ट्वार्ड्स हो जाती है। देखो ये सीधी जानी चाहिए थी लेकिन क्या हो गया, ये ऐसे झुकी है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई, यानी ये एंगल है ये कम हो गया। क्यों? क्योंकि रेयर से जब डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। अब देखिएगा डेंसर से यानी ग्लास से हवा में निकलेगी तो ये देखो सीधी जानी चाहिए थी, ये इतना एंगल बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई, इस तरह से मुड़ गई, यानी ये वाला एंगल बन गया इतना ज़्यादा। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया कि ये डेंसर से जब रेयर में आती है, यानी इसका अपोजिट की बात करें हम, डेंसर से रेयर में आती है तो उस केस में क्या होता है, अवे हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर। अगर कोई रे बिल्कुल परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है सरफेस के ऊपर, तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, यानी किसी भी एंगल थीटा पे क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट होनी चाहिए। क्लियर। अब बच्चों देखिए बात करते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसमें देखिए दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है, देखिए डायग्राम से देखिएगा कि फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, यानी ये वाली रे क्या होगी, इंसिडेंट, नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल हो गया, एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी होगी, तीसरी वाली, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट ए सेम पॉइंट, ये तीनों क्या करते हैं, एक सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये सेम पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन के अलोंग क्या करता है, ये एग्जिस्ट करते हैं। यानी जो इंसिडेंट रे है एक नॉर्मल, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या करते हैं, सेम पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं, और वो पॉइंट कहां होता है, उस सरफेस के उस पे। ठीक है, दूसरा जो नियम है उसकी बात करें तो देखो बच्चों ये जो एंगल है इंसिडेंस एंगल आई, और ये कौन सा है, रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, कि द साइन ऑफ ए इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ ए रिफ्रैक्टेड एंगल इज ए कॉन्स्टेंट म्यू।
ठीक है, यानी ये जो कांस्टेंट है, यानी इंसिडेंट एंगल का जो साइन है, यानी साइन थीटा यहाँ पे जो एंगल है, यानी इसको हम साइन की फुल फॉर्म होती है एसआई एन ए, और लिखते कैसे हम इसको एसआईएन, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, इसका जो रेशियो होता है ये बच्चों एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं म्यू, और ये जो रिलेशन होता है इसको हम एक नाम से और बोलते हैं, दैट इज स्नेरलो, इसी को क्या बोलते हैं हमें स्नेरलो, ठीक है ना। तो स्नेरलो क्या होता है कि जो साइन आई अपॉन, और ये जो म्यू होता है ना इसको क्या बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब देखिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपको पता है कि जैसे ये ग्लास स्लैब है और ये एयर है, तो एयर की जो डेंसिटी है वो ग्लास से क्या है ज्यादा है, सॉरी जो एयर की डेंसिटी है वो ग्लास से क्या है कम है। मान लेते एयर की डेंसिटी कितनी है म्यू वन है, और इसकी डेंसिटी कितनी है म्यू टू। तो बच्चों रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो कितना हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, वो होता है बच्चों म्यू टू अपॉन म्यू वन, कितना होगा म्यू टू अपॉन म्यू वन, और इसी को हम या तो ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर म्यू वन और टू, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम की रेस्पेक्ट में कितना होता है उसको हम क्या बोलते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू होता है वो क्या होता है एक रेशियो होता है किसका स्पीड ऑफ लाइट का, यानी जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि म्यू वन टू, यानी इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, क्लियर। तो ये एक्चुअल में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी एक तरह से क्या होता है लाइट की स्पीड का रेशियो होता है। अब बच्चों देखिएगा जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, देखिए रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी जैसे मान लेते हैं कि ये दो मीडियम है, यहाँ पे ग्लास है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू टू है, और ये एयर है, सॉरी यहाँ पे एयर है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू वन। तो रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि अगर एक मीडियम जिसमें ट्रेवल लाइट आ रही है वो मीडियम अगर एयर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यानी किसी भी मीडियम में एयर की रेस्पेक्ट में लाइट का जो स्पीड होता है उसको हम क्या बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यानी रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम केवल म्यू से लिखते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को किसे लिखते हैं हम सी से लिखते हैं स्मॉल सी अपॉन मानते हैं उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है वी। तो ये क्या होता है या फिर आप एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और सी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो म्यू वन टू का मतलब हो गया वी वन अपॉन वी टू, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो म्यू अब देखिएगा एयर के लिए या वैक्यूम के लिए जो म्यू होता है बच्चों वो होता है एक, एयर का हम एक ही मान लेते हैं, वैसे एयर का 1.003 होता है लेकिन हम कितना मान लेते हैं वन मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें गिलास के लिए हम उसको 1.5 मान लेते हैं, ये ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें उसको वाटर के लिए उसका होता है 1.33, ये नोट्स में दे रखे हैं, ये दो छोटी छोटी बातें हैं। सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का, वो होता है 2.4 के लगभग, ठीक है ना। तो
अगर एक मीडियम एयर हो जाती है उस केस में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो ये कुछ थे आपके पास रिफ्रैक्टिव यानी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है हम वो कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।